बात करते हैं और उनके ज्ञापन की वजह जानते हैं। पवन खटाना, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक विज्ञान। हम पिछले लगातार 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढाका बॉर्डर, पलवल बॉर्डर पर 13 महीने तक लगातार हमने आंदोलन किए। 3 काले कानून थे, सरकार ने वो वापस लिए और हमसे वादा किया कि हम MSP पर कानून बनाएंगे। MSP पर कानून नहीं बनाया गया, कोई कमेटी नहीं बनाई गई, बहुत से प्रदेशों में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए जो इस आंदोलन की ही देन थी, वो वापस नहीं हुए आज तक। उसका एक बड़ा इशू है, कई चीज़ ऐसी हैं जिनको ये लेकर के आना चाहते हैं, जैसे एक दूध का है, एक बिजली अमेंडमेंट बिल का है, कई चीज बिल लेकर के आना चाहते हैं जिन पर भी हमारा भारतीय किसानों का, उनको लेकर के सरकार के साथ वार्ता तय थी ना, अभी तक हो गई है। उसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान राजनीतिक हेल्थ के द्वारा पूरे देश में DM ऑफिसों पर वादा खिलाफी के विश्वासघात को लेकर के ये एक आंदोलन और ज्ञापन प्रेस किया जाएगा। DM साहब, आपको क्या लगता है कि आपने देने से आप समस्या का समाधान? ये समस्या का समाधान नहीं होगा, ये एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की एक तरीका होता है। हमने जन जागरण अभियान चला रखा है, आज का ज्ञापन जब पूरे देश के DM ऑफिसों में दिया जाएगा, इसके बाद अगली कड़ी आगे बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ेगी तब फिर दिल्ली का घेराव करा जाएगा। जब सब लोगों ने ये कहा, पूरे देश की मीडिया ने ये कहा, पूरे देश की जनता ने ये कहा कि देश की सरकार ने अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो आप एक कदम पीछे हटा करके इनको थोड़ा समय दे दो, ये आपके लिए MSP पर कानून भी बना देंगे और सारे काम करेंगे, उसको देख करके हुए, जनता के मन को देख करके, जनता के हित को देखते हुए हम सभी किसानों ने ये निर्णय लिया कि अब हमें घर चलना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो हमें कहीं बाहर से नहीं आना, हम इसी देश के रहने वाले हैं, हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। फिर हम उस जनता से पूछ सकते हैं कि आपके कहने से हम वापस चले गए थे, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमें क्या करना है, हम संसद में नहीं जा सकते, हम जगह सड़क पर तो रह सकते हैं। आचार संहिता उत्तर प्रदेश में तो लगी हुई होगी, केंद्र में थोड़ी लगी आचार संहिता, ये मुद्दा केंद्र से संबंधित है और जब केंद्र से संबंधित जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के आज ये पूरे भारत में ये आंदोलन, जो हमारी यहाँ की क्षेत्रीय समस्या उनको लेकर के हमने आज भी मुद्दा ऐसा उठाया भी नहीं है, लेकिन जो कार्य निरंतर चलते रहते हैं जिनका किसी भी तरीका से आचार संहिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कार्य नहीं हो रहे हैं, उस पर भी हम बात रखेंगे DM साहब, तो वो काम क्यों नहीं होते। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि कोई नई घोषणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पहले योजना है, जो कार्यक्रम पहले चल रहे हैं वो तो लगातार चलते रहने चाहिए ना, वो भी कार्य बंद हो गए हैं, आचार संहिता के चक्कर में सब कुछ बंद कर दिया है, ये भी देखना पड़ेगा ना भाई। देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, यहाँ लूटों की राजनीति चल रही है, लूट लो जैसे भी लूटता हो, कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति बहुत हैं। बीजेपी तो कह रही है उन्होंने क्राइम रेट बहुत कम कर दिया है, क्या कर दिया, क्राइम रेट बहुत कम कर दिया है, क्राइम रेट कम कर दिया, कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे वहाँ बुलंदशहर में कि आप लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना उनके घर वालों की दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें अब दाह संस्कार करने की जरूरत नहीं, ये दाह संस्कार तो सरकार ही कर देगी और कैसे करती है ये भी पता है सबको, उन्नाव की बेटी भी पूछ रही है इनसे और हाथरस की बेटी भी पूछ रही है कि उन्होंने कितना हमको सही किया है। सर आप बताइए थोड़ा किस तरह से, देश का किसान भी पूछ रहा है, जो देश के किसान को लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री ने अपनी गाड़ियों से कुचल करके मारा, वो भी पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया भी नहीं होनी चाहिए कि जो बाहुबलियों को अपने संरक्षण में रखती हो, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था भी नहीं चाहिए। तो आप किस तरह की कानून व्यवस्था चाहते हैं? इस तरीका की चाहते हैं कि जो आमजन अपनी बात कह सके, अगर जिसको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है काहे कि फिर यहाँ पर लोकतंत्र है, जो यहाँ शब्द बोलेगा उस पर खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग,
26 जनवरी 2021 में देश का किसान रोड पर था और 26 जनवरी 2022 में देश का नौजवान रोड पर था। पता है ना आपको, पूरे देश का युवा रोड पर भटक रहा है, बेरोजगार, बेरोजगारी। मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ के आंकड़े ना आकर बता देते, हमने बहुत बड़ी रोजगार दे दी, इसके हालात खराब है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, हम तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर को यूपी का सबसे हाईटेक जिला बताया जाता है। आप किसी भी गांव में चले जाओ नोएडा के, हालात देख लो जाकर के क्या हालात, आप निकल नहीं सकते बेहतर बात। जहाँ अथॉरिटियों ने जमीन कब्जा ली हो, इन्हें कुछ मतलब ही नहीं, इन्हें पैसे खाने से मतलब। ये सरकार को बदलना पड़ेगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, जब तक यहाँ पर आम जन का, किसान का बदलती है। आप कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं कि वो आएगी, बात करें? झटका देंगे, जब अहंकार हो जाता है तो दूसरी को मौका दिया जाता है तो वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, नहीं करेगी तो फिर उसको भी बदल देंगे। मौका देना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम अब की बार देंगे मौका। 5 साल इन्होंने बिजली के नाम पर रोका, अब की बार कह रहे हैं कि हमने आधा कर दिया बिजली करेंगे। जो 5 साल लूटा उसका पैसा कहाँ गया? इसे बदलेंगे, कोई जब इसे बदलेंगे तो कोई भी आओ वो काम करेगी, नहीं करेगी तो उसे बदल देंगे। आप हमारा 13 महीने जो आंदोलन हुआ दिल्ली के चारों, लेकिन कहीं भी कोई रात किसान को नहीं दी गई, 3 सालों किए थे और जो हमसे वादा किए हैं कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम करती है और इसका कोई काम नहीं है, तो उसी के खिलाफ आज हम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने के लिए पर चले भी सर। और अगर इससे ही बात नहीं बनती है तो आंदोलन फिर खड़ा किया जाए। अरे नहीं, हम आंदोलन करेंगे, जो जैसे पहले चलता आ रहा आंदोलन उसी तरह से आंदोलन करें। किसान स्वतंत्र है, किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हमारी आज हम मांग पूरी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें संयुक्त मोर्चा की कॉल पे हम आए हैं, हमें ज्ञापन देना है, ज्ञापन देने के बाद में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है उसे दे करके हमें यहाँ से जाना, इतना सा काम है हमारा। और यहाँ में कोई ना कोई उड़ जावे आज ही बन जाए कप्तान, कौन सा कोई ना है मिलवा दिया है। अरे कितना प्रमोशन चाहिए, आज मिल जाएंगे ट्रैक्टर रोकने से, कोई ना रोका, चलो बाबा के बढ़िया रोकने वाला था अमित शाह, रोक तो जाए थूक बोट लगाए प्रचार बोट रहे तो कल प्रमाऊ, चलो कानून वाकू नहीं है क्या? यहाँ कानून सिखाते हो तुम, बिगर मास्क के तुम सुबह से शाम तक चालान करते हो, देश का गृह मंत्री के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ, एक जो बेचारा कमजोर आदमी है उसके लिए कानून बनाते हैं, ट्रैक्टर को आएगा 10 बार बता दी भाई अपने तरीका से काम करो, आप यहाँ हमें उड़ जाओ मतलब। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और इन्हें बता दो कौन सा इंस्पेक्टर पहले उसे बुलवाओ, यहाँ कौन है वो? ये तरीका से क्या मतलब है इनका? जांच करेंगे ये, एक मोटरसाइकिल जो नजदीक के गांव की होगी उस पर तो सारे नियम पूछे जाएंगे। हमने पिछले 13 महीने लगातार आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि आप जो कानूनों के खिलाफ बैठे थे वो कानून वापस ले लिए गए, अब आप अपना
आंदोलन वापस ले। उनसे कहा गया भाई ये कानून तो बीच में आए थे, अब से पहले हमें एमएसपी चाहिए थी, हमारी लड़ाई एमएसपी की है। उन्होंने कहा एमएसपी एकदम नहीं दे सकते, उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाएगी और कमेटी एक बना करके उसको आगे हम किस तरीका से उसे कानून के रूप में लाया जाए ये बात होगी। देश की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, उन्हें ये था बस ये वापस हटे और हम लगे अपने चुनाव में। उन्हें तो बस वही हिंदू मुसलमान जिन्ना और पाकिस्तान उसी पर लग गया है। उन्हें ना देश का किसान दिख रहा, न ये मजदूर दिख रहा, न बेरोजगार दिख रहा, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ अपनी सीट दिख रही है। आज उसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम है। या तो सरकार इस पर कोई एक्शन ले, अन्यथा हम फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड चलाया जाएगा। सरकार के खिलाफ हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये कैसी सरकार है, इसने किस तरीका से हाथरस की बेटी को रात में जला दिया, इसने कैसे उन्नाव की बेटी के परिवार को गाड़ियों से कुचल दिया, इसने किस तरीका से लखीमपुर खीरी में बैठे हुए किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। उस लखीमपुर खीरी के गृह मंत्री अजय मिश्र सैनी को आज भी मंच शेयर किया जा रहा है। हम सारी चीज बताएंगे। गौतम बुद्ध नगर का ये भी बताएंगे कि यहाँ जमीन हड़प ली गई, 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था, 2 गुना भी दिया और उनकी जमीन का किसी का पैसा भी नहीं दिया, उन पर जबरदस्ती कब्जे कर लिए। बहुत लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं हम यहाँ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ से भगाने की इनकी प्लान है। ये सारी चीज पर मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और एडीएम साहब यहाँ पर हैं, एडीएम साहब हैं, आप हैं। हमारा आपसे अनुरोध ये है कि अगर यहाँ पर डीएम साहब ना होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एडीएम साहब नहीं होते हम एसडीएम साहब को भी दे देते, एसडीएम साहब भी ना होते तो हम तहसीलदार को दे देते, तहसीलदार को नहीं, हमने यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में हमने यहाँ पर उनको भी दिया है जो बाहर वो आपके वो रहते हैं स्टेनो ज्ञापन, ऐसी बात नहीं है हमने ज्ञापन उनको नहीं दिया। लेकिन अगर डीएम साहब यहाँ पर हैं और डीएम साहब हमेशा किसान से मिलते हैं, वो तो ज्ञापन तैयार है, हम तो ज्ञापन लेकर खुद मिला था डीएम साहब से एक मीटिंग में थे और भारत निर्वाचन आयोग की बैठक चल रही है ना, भारत निर्वाचन आयोग की बैठक चल रही है और ऑब्जर्वर हैं और आपके उसमें किया है। आप तो हमारे आंदोलन में 24 घंटे रह ही गए उसमें क्यों, अब ये बार बार आप खुलिया मैंने की डीएम साहब को मतलब हमारी बात तो यही गड़बड़ है। अच्छा आज आए हम यहाँ, रोज रोज तो आते नहीं, रोज रोज तो आप फिर नहीं कह रहे हम लोग, रोज रोज कब कहते हैं डीएम साहब। अच्छा जब हम आवे जब यही बात कहो तभी बता दो, जब डीएम साहब होते और बताऊँ आपको जानकारी के लिए, डीएम साहब जब यहाँ पर मिलते हैं तो आम पब्लिक से मिलते हैं, बाहर निकलता है, मैं खुद डीएम साहब से खुद मीटिंग में वो कभी नहीं किया, आम पब्लिक से नहीं मिलते, वो चल रहा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके और आ जाएंगे घंटा घंटा 2 घंटा लग जाए, आप दे दो 3 घंटे का तुम्हारा वैसे प्रोग्राम है, आराम से बस एक लाइन फसल फैल जाए यहाँ एडीएम साहब लगा लो हाथ आप भी लगाओ भाई नारे जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से।